राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अज्जे यहाँ पे आपको क्या करना है विद्पनी ओके ऑफ योर स्कूल ओके तो जो सीरीज आपको क्रिएट करनी है वो क्या uh, किस बेसिस पे क्रिएट करनी है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के नेम्स के अंडर नंबर ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स को शो राइट? ओके नाउ नोट एज्यूम फोर हाउसेस नेम्स जो फोर हाउसेस हैं, उनके नेम्स हैं ब्यास चिनाब, रवि एंड सतलुज ओके और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, वो हैं एटीन टू ट्वेंटी एटीन राइट नाउ एंड पांडास लाइब्रेरी हैज बिन इम्पोर्टेड एज पी डी ऑलरेडी पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है एज अ पी डी राइट ओके अगर यहाँ पे ऑलरेडी पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं होती तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देते इम्पोर्ट पांडास ओके नौ फर्स्ट स्टेप क्या है फर्स्ट स्टेप है डिक्शनरी क्रिएट करना बिकॉज यहाँ पे हम डिक्शनरी से सीरीज को क्रिएट करेंगे राइट right? तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे डिक्शनरी क्रिएट करेंगे फाइन तो यहाँ पे हमने एस टी वेरिएबल लिया है इक्वल्स और यहाँ पे आपने डिक्शनरी क्रिएट कर दिया है बीस इज द की एंड एटीन इज द वैल्यू then uh, sorry vyas vyas is the key and 18 is the value then chenab is the key 20 is the value to aapne kya kiya ye st name ki dictionary create kar li jiske andar four key value pairs hain right vyas 18 chenab 20 ravi 20 and satluj 18 fine dictionary create होगी अब आप क्या करोगे डिक्शनरी को आप pass करोगे pandas के series function में

एक वेरिएबल नेम दिया इक्वल्स दिया एंड कर्ली ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स में आपने की वैल्यू पेयर्स दे दिए राइट right? तो जब आप की वैल्यू इस टाइप से आप जब क्या करते हो इनिशियलाइज करते हो किसी वेरिएबल को तो क्या बन जाता है डिक्शनरी बन जाता है फिर आपने क्या किया पांडस के सीरीज फंक्शन में उस डिक्शनरी को पास कर दिया सीरीज फंक्शन क्या करेगा इस एस टी वेरिएबल को इस एस टी डिक्शनरी को क्या करेगा सीरीज में कन्वर्ट कर देगा फाइन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आउटपुट ऑफ दी गुट क्या होगा पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है तो पे क्या क्रिएट हो रहा है सीरीज को क्रिएट किया जा रहा है डेटा डेटा आपके पास क्या है डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है आपके पास थर्टी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइन तो ये जो लिस्ट है डेटा डेटा की जो लिस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी सीरीज फंक्शन में सॉरी सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी बाय बा द सीरीज फंक्शन ओके okay? नाउ सीरीज हमारी बन चुकी है जो लिस्ट थी वो सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है अब नेक्स्ट स्टेप क्या है प्रिंट ए क्योंकि ए क्या है सीरीज है सीरीज के uh, सीरीज के सारे आइटम्स उसमें स्टोर है ए अब यहां पे हमने क्या किया है ए ग्रेटर देन फोर्टी फाइव यहाँ पे क्या किया है कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज किया है ए ग्रेटर देन फोर्टी फाइव तो क्या होगा जो इसके आ, आ, जो सीरीज के अंदर वैल्यूज हैं ओके वन बाय वन वो किससे कंपेयर होंगी फोर्टी फाइव से कंपेयर होगी एंड दिस स्टेटमेंट विल गिव यू बुलियन रिजल्ट ये आपको ट्रू या फॉल्स में इसका रिजल्ट मिलेगा कंपेरिजन बिकॉज यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज हुआ है राइट right? तो ये क्या कंपेयर कर रहा है कि जो ए के अंदर वैल्यू है पहले जीरो इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी दैट इज थर्टी फाइव राइट देन वन इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी देन टू इंडेक्स देन थ्री इंडेक्स राइट तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा बुलियन रिजल्ट होगा ट्रू आइदर ट्रू और फॉल्स राइट right? तो देखो थर्टी फाइव क्या है फोर्टी फाइव से बड़ा नहीं है तो जो फर्स्ट आपका रिजल्ट है वो क्या है फॉल्स फाइन देन

अंडरस्टूड यहाँ पे क्योंकि हमने क्या प्रिंट कराया यहाँ पे हमने कंपेरिजन प्रिंट कराया है कि जो सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया गया है एक वैल्यू के साथ और कंपेरिजन का जो रिजल्ट है वो बुलियन में आएगा फाइन आइर ट्रू और फॉल्स तो आपका ये प्रिंट होगा ठीक है जीरो इंडेक्स पे फॉल्स देन फर्स्ट पे फॉल्स सेकेंड पे ट्रू एंड थर्ड पे फॉल्स ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड अब यहाँ पे क्या है हमें कोड दिया गया है इम्पोर्ट पांडास एस पी डी पांडास की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराया गया ईयर वन हमारे पास फर्स्ट डिक्शनरी है ईयर वन ओके उसमें आपके की वैल्यू पेयर्स हैं क्यू वन फाइव थाउजेंड क्यू टू एट थाउजेंड क्यू थ्री ट्वेल्व थाउजेंड क्यू फोर एटीन थाउजेंड राइट देन ईयर टू ए ए इज द की

नो डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम अभी हम पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन में किसको पास कर रहे हैं टोटल सेल्स डिक्शनरी को पास करें फाइन टोटल सेल्स डिक्शनरी को पास करें तो यहाँ पे वन और टू तो क्या बन जाएगा कॉलम नेम्स बन जाएंगे डेटा फ्रेम के क्योंकि हमेशा जब डिक्शनरी को पास करते हैं तो डिक्शनरी इसकी की जो होती है, वो column names हैं वो कॉलम नेम्स बन जाती है तो देखो यहाँ पे वन एंड टू हमारे दो कॉलम है फाइन और आप, आपने क्या किया प्रिंट करा दिया डीएफ को अब क्वेश्चन के आंसर देने लिस्ट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ अब आपको डेटा फ्रेम डीएफ की इंडेक्स बताने हैं कि इंडेक्स जो रो इंडेक्सेस हैं वो क्या है राइट तो रो इंडेक्सेस आपके जो है वो ये है क्यू वन क्यू टू क्योंकि यहाँ पे ईयर वन और ईयर टू ओके कि कॉम्बिनेशन से आपका टोटल सेल्स बना हुआ फाइन तो यहाँ पे देखो जो रो इंडेक्सेस हैं वो क्या है Q1 Q2 Q3 Q4 क्यू फाइन ये आपके क्या बन गए रो इंडेक्स बन गए फाइन ओके नाउ और कॉलम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वन टू अंडरस्टूड देखो वन एंड टू जो डिक्शनरी के कॉलम्स थे जो सॉरी जो डिक्शनरी कीज थी वो बन गई कॉलम नेम्स और जो वैल्यूज थी वैल्यूज थी वो क्या बन गई रोज नेम्स ठीक है वैल्यूज रोज अब देखो वैल्यूज में रोज में अब देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में देखो क्यू वन क्यू वन बन गया रो इंडेक्स और ये इसकी वैल्यू ओके एंड जो सेकेंड कॉलम है वो नन आ गया ओके नॉट अ नंबर वैल्यू राइट और यू कैन से नल वैल्यू यहाँ पे न, न, न आ गया जहां बिकॉज यहाँ पे क्या है एयर वन की वैल्यूज है और यहाँ पे देखो और यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या है देखो यहाँ पे वैल्यूज हैं थर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड ओके और इसके जो रो इंडेक्सेस हैं वो ए बी सी है फाइन और कॉलम वन में इसकी भी वैल्यू क्या है नल है फाइन ओके okay, समझ आया तो क्या है इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम डी एफ हमारे यहाँ पे हो गए क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर ए बी सी क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर एंड ए बी सी फाइन और कॉलम्स नेम्स क्या एंड ओके नाउ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड आपको कोड दिया हुआ है नाउ आपको इसका क्या करना है आउटपुट लिखना है इम्पोर्ट पांडा एसपीडी फाइन आपने पांडास की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया अब यहाँ पे आपके पास क्या है लिस्ट की फॉर्म में क्या है डेटा है फाइन नाउ Data frame. Data frame में आपने list को पास कर दिया अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल प्रिंटीएफ फाइन अब यहाँ पे देखो डेटा तो हमारे पास क्या ए बी सी डी ई फाइन और इसका जो हमने कोई एक्सप्लिसिटली इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है खुद से इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये डिफॉल्ट इंडेक्स लेगा जीरो वन टू थ्री फोर ओके डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज आइए और आपका जो uh, जो आपका लिस्ट का डेटा था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है डेटा फ्रेम में ओके और ओनली वन लिस्ट वाज देयर यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट थी तो ए, डेटा फ्रेम में क्या है सिर्फ एक ही कॉलम है फाइन समझ आया ये आपका डेटा फ्रेम आ गया ओके कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज सीरीज सब्जेक्ट यहाँ पे एक सीरीज है सब्जेक्ट नेम से राइट प्रोग्राम इन पाइथन

लिस्ट ऑफ वैल्यूज जिनको आपको सीरीज में क्या करना है कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया अब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो डिफॉल्ट नहीं है ठीक है uh, यहाँ पे आपको इंडेक्स फिर uh, देना होगा इंडेक्स इक्वल्स टू इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस फाइन उसके बाद आप प्रिंट सब्जेक्ट uh, uh, करा सकते हो फाइन तो यहाँ पे देखो सिंपल uh, है सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया ओके okay, देन आपने सीरीज फंक्शन पांडस की सीरीज फंक्शन में पास किया लिस्ट ऑफ़ वैल्यूज जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज बिकॉज ये कन्वर्ट हो जाएंगी सीरीज में और आपने फिर इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया इंग्लिश हिंदी मैथ्स एंड साइंस सिंपल ओके तो ये आपकी क्या बन गई है सीरीज बन गई है सब्जेक्ट नेम से ओके okay, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इस कोड का आपको आउटपुट बताना है इंपोर्ट पांडास एस पी डी आप ओके okay, यहाँ पे पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया डेटा अब यहाँ पे डेटा क्या है लिस्ट है लिस्ट ऑफ वैल्यूज तो हमने लिस्ट में क्या दिया है लिस्ट इज अस लिस्ट कंसिल्स ऑफ मल्टीपल लिस्ट जो जो इसके जो वैल्यूज हैं वो भी क्या है लिस्ट हैं देखो ये वन लिस्ट देन ये सेकेंड लिस्ट एंड देन दिस इज थर्ड लिस्ट ओके फाइन अब यहाँ पे देखो इससे क्या इससे क्या क्रिएट किया जा रहा है डेटा फ्रेम क्रिएट किया जा रहा है पी डॉट डेटा फ्रेम इसके अंदर डेटा फ्रेम फंक्शन में लिस्ट को पास कर दिया लिस्ट ऑफ लिस्ट को पास कर दिया एंड कॉलम्स लेम्स यहाँ पे दिए गए हैं नेम एंड एज बाई यूजिंग द कॉलम एट्रीब्यूट फाइन ओके प्रिंट डी एफ तो आप इस कोड का आउटपुट आपको बताना सबसे पहले कॉलम नेम्स हमारे पास है नेम एंड एज नेम एंड एज आ गया आपके कॉलम नेम ओके अब डेटा जो आपका लिस्ट का डेटा है वो कन्वर्ट होगा डेटा फ्रेम में तो यहाँ पे देखो लिस्ट में क्या है मल्टीपल लिस्ट uh, है ओके okay. जो इसकी वैल्यूज हैं वो भी क्या है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है तो यहाँ पे एक लिस्ट जो जो है उसके अंदर दो वैल्यूज हैं फाइन तो नेम के अंदर आ गया आपका एलेक्स एंड जो टेन है वो आपका आ गया एज के अंदर फाइन ओके देन बॉब एंड ट्वेल्व बिकॉज टू कॉलम्स है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का डेटा एंड देन दिस इज सेकेंड कॉलम का डेटा एंड आपका डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू ओके डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू दिस इज टू फाइन जीरो वन ओके अंडरस्टूड कॉलम नेम दिया हुआ है जो लिस्ट का डेटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगी ओके okay. वो कॉलम वैल्यूज़ बन जाएगी फाइन नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इसमें भी आपको आउटपुट ही बताना है फाइन अब इसमें देखो डेटा टाइप्स में सेम है इम्पोर्ट पांडा डेटा आपको लिस्ट का डेटा दिया हुआ है um, data frame. Data frame में आपने लिस्ट लिस्ट क्वेंस को पास कर दिया देन कॉलम्स नेम आपका नेम एंड एज है बस यहाँ पे डेटा टाइप आपका फ्लोट दे दिया गया है जब डेटा टाइप फ्लोट दे दिया गया है तो अगर आप क्या करें इंटीजर टी, वैल्यू या नंबर वैल्यू इसके अंदर यूज कर रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में फाइन अगेन नेम एंड एज आपके दो कॉलम्स हैं यहाँ पर ओके okay, एंड जो लिस्ट uh, का डेटा है वो कन्वर्ट करेगा डेटा फ्रेम में तो यहाँ पे आपके नेम में आ गया एलेक्स

ठीक है कॉलम नेम्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं और ये हमारा क्या आ गया रो इंडेक्स फाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विथ फ्रॉम द लिस्ट गिवन ब्लो तो यहां पे आपको लिस्ट दी हुई है फाइन लिस्ट दी हुई है आपसे इसको क्या क्रिएट करना है डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे इंपोर्ट पांडास एस पी डी पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे देन आपने क्या किया है ये लिस्ट दी हुई है इस लिस्ट को आपने क्या किया कंबाइंड फॉर्म में कंबाइंड uh, फॉर्म में यहाँ ले लिया है ठीक है तो ये एक एक लिस्ट के अंदर इसकी वैल्यूज़ बन गई है मल्टीपल लिस्ट आ गई है फाइन देखो ये इसका पार्ट बन गई वन लिस्ट में आपके जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्या है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट फाइन और उस लिस्ट का हमने नेम दे दिया डेटा राइट right? अब आपको क्या करना है डेटा फ्रेम क्रिएट करना है डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर आपने डेटा uh, को पास कर दिया ठीक है ओके तो जो ये जितनी भी लिस्ट थी वो एक आपने कंबाइन की एक लिस्ट के अंदर उसको आपने नेम दिया डेटा और डेटा को आपने पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन में कॉलम नेम्स आपने दे दिए आईडी नेम एंड मार्क्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू देखो आईडी नेम एंड मार्क्स फाइन ओके कॉलम नेम्स आपने दे दिए नाउ प्रिंट डी अब आप इसको प्रिंट करा दोगे तो सिंपल आपको जो दिया गया था लिस्ट दी गई थी उस, उस उसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया उसको आपने कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में आपको यहाँ पे कोड लिखना था आपने कोड लिख दिया फाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कोड टू डिस्प्ले नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा फ्रेम आपको नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले कराने और नंबर ऑफ कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं डेटा फ्रेम की राइट right? तो यहाँ पे डी uh, एफ डेटा फ्रेम की तो आपने डी एफ डॉट शेप जीरो कर दिया फॉर नंबर ऑफ रोज ये क्या डिस्प्ले कर देगा नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले कर देगा एंड आपने डी एफ डॉट शेप वन किया तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा नंबर ऑफ कॉलम्स डिस्प्ले कर देगा ओके okay? तो शेप एट्री पांडास का शेप एट्रीब्यूट क्या करता है अगर आप सिंपली देते डी एफ डॉट शेप यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं देते जीरो और जीरो या वन डि, डि, डिफाइन नहीं करते सिंपली लिखते डी एफ डॉट शेप तो ये क्या करता कंप्लीट डेटा फ्रेम को डि, डिस्प्ले कर, कर देता फाइन दोनों को डिस्प्ले करता नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स राइट तो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाता अभी सिंपल आपको क्या कराने हैं नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले कराने हैं तो आप डी एफ डॉट शेप जीरो दोगे एंड अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम डिस्प्ले फ्रेम है, तो है जिसका नाम है क्लास फ्रेम फाइन ये आपका ये डेटा फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है राइट कमांड्स टू अब आपको कमांड्स लिखने हैंड अ न्यू कॉलम एक्टिविटी टू द डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम में न्यू कॉलम एड करने के लिए एक्टिविटी नेम का फाइन तो सिंपल आप क्या दोगे डेटा फ्रेम का नेम क्लास फ्रेम ओके एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम नेम जो आपको कॉलम ऐड uh, कराना है इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ द कॉलम ये आपने वैल्यूज ऑफ द कॉलम दे दी स्विमिंग डांसिंग क्रिकेट एंड सिंगिंग राइट वी नो इट वेरी वेल कि आपको अगर डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड कराना है तो क्या करना होता है आप डेटा uh, फ्रेम का नेम दोगे स्क्वायर ब्रैकेट में आप न्यू uh, कॉलम का नेम दोगे और उसको इनिशलाइज कर दोगे वैल्यूज टू फाइन न्यू रो विद द वैल्यूज अब आपको क्या करना है न्यू रो एड करनी है और उसकी वैल्यूज दी हुई है तो यह, यहाँ पे हम लॉक फंक्शन का यूज करें क्लास फ्रेम डेटा फ्रेम का नाम है ओके डॉट लॉक लॉक के अंदर आपने दे दिया रो इंडेक्स जिस इंडेक्स वैल्यू पे आपको रो क्या करनी है एड करानी है रो इंडेक्स हमने दे दिया यहाँ पे एस टी फाइव ओके इक्वल्स टू वैल्यूज और उस रो रो इंडेक्स पे आपको कौन सी वैल्यूज चाहिए वो आपने वैल्यूज को इनिशलाइज करा दिया फाइन ओके okay, समझ आया अगर कॉलम ऐड कराना है सिंपल हमने क्या किया डेटा फ्रेम का नेम स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम नेम और उस कॉलम और इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ द कॉलम एंड सेकंडली टू ऐड द न्यू रो डेटा फ्रेम नेम डॉट लॉग 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 फंक्शन के अंदर आपने क्या दिया है इंडेक्स रो इंडेक्स दिया है जिस इंडेक्स पे आपको वैल्यूज को ऐड कराना है और आपने वैल्यूज को क्या कर दिया इनिशियलाइज करा दिया इक्वल्स टू करके वैल्यूज को आपने दे दिया तो इसे क्या हो जाता है उस रो पे वो वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई है फाइन तो ये दो तरीके हैं यहाँ पर रो एड कराने के लिए और कॉलम एड कराने के लिए फाइन नो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद अप्रोप्रिएट कॉलम हैडिंग्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन ब्लू अब आपको क्या करना है कोड लिखना है पाइथन कोड क्या करने के लिए डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए राइट विद विद अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग्स मतलब विद फ्रॉम द लिस्ट गिवन ब्लू आपकी जो अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग्स भी देनी है मतलब आप अपनी तरफ से डेटा फ्रेम की कॉलम हेडिंग्स भी दोगे और जो आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है वो क, 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 उसके लिए यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि इस गिवन बिलो लिस्ट से आपको क्या करना है डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखो सिंगल लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है वन टू थ्री तो यहाँ पे थ्री कॉलम्स हमारे बनेंगे तो आपका क्या है सबसे पहले आप पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करोगे इम्पोर्ट देन आपने लिस्ट दे दी यहाँ पे आपकी लिस्ट है जिसके अंदर क्या है फोर वैल्यूज हैं और फोर वैल्यूज भी किसकी फॉर्म में है लिस्ट की फॉर्म में फाइन और सिंपली अब हमें क्या करना है डेटा फ्रेम क्रिएट करना है इस लिस्ट से तो आपने क्या किया डी एफ इक्वल्स टू पी डी पी डी क्या क्या है यहाँ पे पांडास पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन में आपने लिस्ट को पास कर दिया ओके okay. और यहाँ पे हम कॉलम्स नेम दे रहे हैं रोल नंबर नेम्स मार्क्स रोल नंबर नेम्स मार्क्स फाइन सिंपल एंड देन यू विल प्रिंट द डेटा फ्रेम देखो आपका डेटा फ्रेम ये क्रिएट होके आ जाएगा रोल नंबर नेम मार्क्स और यहाँ पे जो लिस्ट की जो वैल्यूज थी वो क्या हो जाएंगे इन कॉलम्स का डेटा बन जाएंगे रोल नंबर नेम मार्क्स फाइन ओके देखो वन जीरो वन जीरो इंडेक्स पे वन जीरो वन गुरमान एंड मार्क्स नाइन्टी एट देन वन जीरो टू राजवीर नाइन्टी फाइव वन जीरो थ्री समर नाइन्टी सिक्स देन वन जीरो फोर युवराज एटी एट लाइक दिस ओके एंड इंडेक्स की जो रो की जो रो इंडेक्स क्या है वो डिफॉल्ट है जीरो वन टू थ्री फाइन अंडरस्टूड ओकेश्चन कंसिडर द गि डेटा फ्रेम स्टॉक यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है स्टॉक राइट right? तो इसके दो कॉलम्स हैं बुक्स नेम एंड प्राइस राइट right? नाउ राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग अब आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे रिलेटेड पाइथन स्टेटमेंट्स लिखनी है फर्स्ट क्या है add a column called special price with the following data आपको एक कॉलम ऐड करना है जिसका नेम क्या है स्पेशल प्राइस राइट तो सिंपल आप क्या करोगे डेटा फ्रेम का नेम स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू कॉलम का नेम ओके okay, इक्वल्स में क्या देना है आपको वैल्यूज देनी है जो उस कॉलम में आएंगी फाइन वेरी सिंपल ओके नेक्स्ट क्या है ऐड अ न्यू बुक नेम द सिक्रेट हैविंग प्राइस 800 अब आपको न्यू uh, uh, क्या करना है न्यू रो ऐड करनी है यहाँ पे न्यू रो ठीक है क्योंकि यहाँ पे बुक नेम ऐड करना है उसका प्राइस करना है ऐड तो क्या होगा आपको एक न्यू रो ऐड करनी है फाइन ओके okay. फाइन uh, अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे न्यू रो को ऐड करने के लिए आप लॉग फंक्शन का यूज कर सकते हो यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम स्टॉक डॉट लॉग और लॉग के अंदर आप क्या करोगे इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करोगे कि किस इंडेक्स वैल्यू पे आप न्यू रो को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे हम फोर पर न्यू रो को ऐड करना चाहते हैं और न्यू रो की वैल्यूज हैं द सीक्रेट एंड एट हंड्रेड फाइन तो यहाँ पे इंडेक्स फोर आ जाएगा यहाँ पे द सीक्रेट आ जाएगा और प्राइस में आपका एट आ जाएगा फाइन रिमूव द कॉलम स्पेशल प्राइस अब आपको क्या करना है कॉलम स्पेशल प्राइस को रिमूव करना है ओके okay? तो रिमूव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो आप ड्रॉप फंक्शन का यूज कर सकते हो तो आपने क्या किया स्टॉक इक्वल टू स्टॉक डॉट ड्रॉप ड्रॉप फंक्शन के अंदर आपने पास कर दिया जिस भी जिस कॉलम को आपको रिमूव करना है स्पेशल प्राइस आपको रिमूव करना है और आपने यहाँ पे एक्सेस भी स्पेसिफाई कर दिया एक्सेस इक्वल टू वन बिकॉज ये क्या है कॉलम है जिसको आप रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सेस आप क्या दोगे वन सिंपल डेटा फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम आपका डेटा फ्रेम नेम इज स्टॉक स्टॉक डॉट ड्रॉप और ड्रॉप फंक्शन में आपने पास कर दिया वो कॉलम जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो फाइन ओके ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन उटपुट ऑफ दू स्टेटमेंट कंसिडरिंग ऑलरेडी तो अब यहाँ पे हमारे पास दो statements दिए गए हैं उनका output हमें predict करना है सबसे पहले क्या है print ए इन टू बी यहाँ पे जो ए है वो क्या है लिस्ट है फाइन लिस्ट uh, है तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा इसका रिजल्ट आएगा रेप्लीकेशन uh, जब आप लिस्ट को मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो लिस्ट क्या हो जाती है रेप्लीकेट हो जाती है मतलब रेप्लीकेट मतलब उसकी कॉपी बन जाती है फाइन तो पहले यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स दे, देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है uh, आपके लिस्ट के एलिमेंट्स क्या थे टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फिफ्टी ओके okay, तो अगर एक आपने लिस्ट को मल्टीप्लाई किया टू से तो ये क्या होगा टू टाइम्स इसकी आ, मतलब ये रिपीट हो जाएगी राइट जो इसकी वैल्यू है वो रिपीट हो जाएगी फाइन तो यहाँ पे देखो टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फिफ्टी अगेन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फाइन क्योंकि ये क्या है आ, लिस्ट है तो अगर लिस्ट को आप किसी नंबर से क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो तो उतने ही टाइम्स वो क्या हो जाती है रेप्लीकेट हो जाती है मतलब रिपीट uh, होती है फाइन देखो यहाँ पे जस्टिफिकेशन में दिया इन फर्स्ट स्टेटमेंट ए अ अ अ लिस्ट लिस्ट सो नंबर इट आ गई है, no. Second, आपकी क्या है? Okay? तो में जब आप मल्टीप्लाई करोगे टू को तो क्या होगा इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ओके उनसे टू एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा वन बाय वन ओके फर्स्ट एलिमेंट सेकंड देन थर्ड लाइक दिस तो टू सीरीज के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा बाय तो यहाँ पे देखो पहले हमारे पास सीरीज थी टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फिर आपने स्टेटमेंट दिया बी इंटू टू फाइन तो अब यहाँ पे जो टू है वो सबसे मल्टीप्लाई करेगी पहले टेन से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेंटी आ गया देन ट्वेंटी से मल्टीप्लाई किया तो आपका फोर्टी आ गया देन आपका फिफ्टी एंड देन आपका हंड्रेड ओके, वैल्यू देन ईच एलिमेंट ऑफ द सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर जब आप सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी वैल्यू से तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो वन बाय वन उससे मल्टीप्लाई होंगे फाइन लिस्ट के केस में क्या हुआ रेप्लीकेशन हुआ वो रिपीट हुई लिस्ट रिपीट हुई और सीरीज के केस में क्या होता है अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो क्या होता है लिस्ट के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं फाइन और रिजल्ट आता है आपके पास ओके ओके कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एंड डू एस डायरेक्टेड आपको क्या डेटा फ्रेम दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए ठीक है इम्पोर्ट पांडा एस पी पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया फिर आपके पास डिक्शनरी है डी राइट right? जिसमें आपकी की वैल्यूज पेयर हैं की है आपकी माउस उसकी वैल्यूज हैं 150 200 लाइक दिस देन कीबोर्ड देन स्कैनर राइट डी इज योर डिक्शनरी हैविंग की वैल्यू पेयर्स फाइन अब आपने यहाँ पे क्या है पीडिट और डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम में डिक्शनरी को पास किया गया है तो इसमें ये जो डिक्शनरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी डेटा फ्रेम में इंडेक्स वैल्यूज आपकी दी गई है जेन फैब मार्च अप्रैल फाइन इंडेक्स वैल्यू दी आप एक्सप्लिस यहाँ पे स्पेसिफाई हुई है प्रिंट डीएफ ये आपका कोड दिया हुआ है फाइन नौ क्वेश्चन राइट कोड टू एक्सेस डेटा ऑफ माउस एंड स्कैनर कॉलम आपको माउस और स्कैनर कॉलम का डेटा एक्सेस करना है ओके okay, तो आपने क्या किया प्रिंट डीएफ डीएफ आपका डेटा फ्रेम का नेम है और आपने लिस्ट दी लिस्ट इसके अंदर आप पास करोगे माउस ओके कोमा स्कैनर फाइन आप ओके डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिस्ट पास करोगे ठीक है उस उस कॉलम की जो आपको क्या करना है एक्सेस करना है फ़ाइन तो यहाँ पे माउस को एक्सेस करना है तो माउस दिया देन कॉमा स्कैनर फाइन समझ आया वेरी सिंपल डेटा फ्रेम का नेम और डेटा फ्रेम के नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में आपको अगर सिंगल कॉलम एक्सेस करना होता तो आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट में माउस दे देते लेकिन अभी यहाँ पे हमें मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना है तो हमने जो कॉलम नेम्स लिए हैं वो एज अ लिस्ट लिए हैं फाइन तो एज अ लिस्ट हमने स्पेसिफाई की है माउस कॉमा

वो नंबर सारी की सारी रोज को एक्सेस करेगा बिकॉज यहाँ पे ना तो हमने स्टार्टिंग रो दी है ना ही एंडिंग रो दी है फाइन तो जितने भी रोज हैं, उन सबका डेटा वो एक्सेस करेगा ओके और कॉलम नेम हमने दिया सिर्फ स्कैनर राइट समझ आया तो यहाँ पे स्कैनर कॉलम का पूरा का पूरा डेटा ये एक्सेस हो जाएगा फाइन ओके समझ आया डी एफ डॉट लॉग लॉग फंक्शन के अंदर आपने आपने कॉलम मीन्स यू आर एक्सेसिंग ऑल द रोज ओके एंड देन जो रो से रिलेटेड डेटा है वो किस कॉलम का रो डेटा आपको एक्सेस करना है स्कैनर का तो आपने यहाँ पे स्कैनर दे दिया है फाइन ओके टू एक्सेस डेटा ऑफ ऑफ एंड मार्च आपके पास आप किसका डेटा एक्सेस करना चाहते हो जैन का और मार्च का ओके फॉर स्कैनर और जो कॉलम्स हैं उसके अंदर स्कैनर एंड कीबोर्ड ठीक है तो स्कैनर एंड कीबोर्ड कीबोर्ड और स्कैनर कॉलम्स में आपको जो डेटा एक्सेस करना है वो कौन सी रोज का करना है जैन एंड मार्च का ओके okay, तो यहाँ पे अगेन हम लॉक फंक्शन का यूज करते हैं डी एफ डॉट लॉक सबसे पहले आप रो रो स्पेसिफाई करोगे कौन कौन सी रोज चाहिए आपको जैन एंड मार्च रोज चाहिए ओके okay, फिर उसके अंदर आप नेक्स्ट आपको क्या स्पेसिफाई करना है कॉलम्स के कौन कौन सा कॉलम चाहिए स्कैनर एंड कीबोर्ड Fine. Okay. Lock, lock function के अंदर list आपने रो, रोस दी, दिए, और, और फिर आपने क्या दी कॉलम लेबल्स दे दिए स्कैनर एंड कीबोर्ड तो ये क्या क्या करेगा ये स्टेटमेंट एक्सेस आपका जेन एंड मार्च का डेटा कीबोर्ड एंड स्कैनर कॉलम का जेन एंड मार्च का डेटा ये एक्सेस करेगा फाइन ओके okay. द फॉलोइंग कोड एंड यूजिंग पांडास लाइब्रेरी इन प्रोग्राम ओके हिज कोड इज मेंशन बिलो रियाज क्या रहा है एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है पांडास लाइब्रेरी को यूज करके और उसका कोड यहाँ पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स टू हेल्प हिम अब आपको ब्लैंक्स को फिल करना है इम्पोर्ट डैश एज इम्पोर्ट डैश एस पीटी तो सबसे पहला स्टेटमेंट इम्पोर्ट आपका क्या आएगा जो स्टेटमेंट ए के लिए इम्पोर्ट हमें पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराना है फिर यहाँ पे दो डिक्शनरी दी गई है डी एंड डी टू डी का जो की वैल्यू पेयर है वो क्या है ए वन टू बी टू थ्री देन डी टू का है ए फोर फाइव ए क्या है की और उसकी वैल्यू फोर्टी फाइव सॉरी एंड एंड बी की है और वैल्यू से सिक्स एंड सेवन फाइन ओके नाउ स्टेटमेंट बी डीएफ टू स्टेटमेंट वन क्या है डी एफ वन इक्वल्स टू पीटी डॉट डेटा फ्रेम डी तो जो हमने डेटा फ्रेम डी एफ वन बनाया है वो किसकी हेल्प से बना? बनाया है वो हमने डिक्शनरी डी की हेल्प से बनाया है ओके okay? डी को पास करके बनाया है है फाइन अब जो उसमें हम क्या करेंगे डॉट पे क्या यूज होगा यहाँ पे डेटा फ्रेम फंक्शन यूज होगा ठीक है डेटा फ्रेम फंक्शन ऑप्शन बी डेटा फ्रेम फंक्शन और उसमें आपने पास कर दिया डी टू को फाइन अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो डीएफ थ्री इक्वल्स टू डीएफ वन डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया डीएफ टू डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया देखो यहाँ पे डीएफ वन डेटा फ्रेम फाइन डीएफ टू डेटा फ्रेम नेक्स्ट थ्री क्या है पीडी डॉट डैश और डीएफ वन डीएफ टू डीएफन टू तो यहाँ पे कौन से फंक्शन का आप यूज करोगे यहां पे आप कॉन्केट फंक्शन का यूज करोगे कॉनकेट फंक्शन फाइन कॉनकेट फंक्शन का आप यूज करोगे सीओ एन सी ए टी ओके कॉन्केट फंक्शन का यूज करोगे उसमें आप पास करोगे डी एफ वन एंड डी एफ टू फाइन तो ये आपका क्या होगा दोनों के दोनों डेटा फ्रेम ये आपका डी डेटा फ्रेम डी एफ वन डेटा फ्रेम और ये आपका डीएफ टू डेटा फ्रेम कॉन्केट हो जाएंगे कॉन्केट मीन्स ज्वाइन हो जाएंगे फाइन ओके okay. तो स्टेटमेंट सी में क्या आएगा आपका डीएफ डॉट कॉन्केट कॉन्केट से क्या होगा और कॉन्केट में आपने क्या किया डीएफ वन कोमा डी एफ टू दिया है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्केट हो जाएंगे एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे देखो जो ये वाला है वो आपका डीएफ वन है ग्रेट नेम okay? से जिसमें क्या है ये डेटा दिया हुआ है नेम रश्मि हर्ष गणेश प्रिया विवेक एंड ग्रेट ओके राइट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग अब आपको स्टेटमेंट्स देनी है ओके फाइन नाउ क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम्ड जी आर अब डिक्शनरी से आपको क्या करना है डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम पांडा के डेटा फ्रेम फंक्शन में हम डिक्शनरी को पास कर देंगे ग्रेट ग्रेट को हमने पास कर दिया तो ये, ये क्या बन जाएगा डिक्शनरी क्या बन जाएगी डेटा फ्रेम नाउ एड अ कॉलम कॉल्ड मार्क्स विद द फॉलोइंग डेटा अब आपको एक कॉलम एड करना है मार्क्स का तो आपने क्या किया डेटा फ्रेम नेम जी आर ओके स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम और आप इक्वल्स टू दे दोगे कॉलम की वैल्यू ओके okay. तो कॉलम ऐड हो जाएगा फाइन अब आप नेक्स्ट क्या है डिलीट थर्ड एंड फिफ्थ रो आपको डेटा फ्रेम की थर्ड और फिफ्थ रो को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डेटा फ्रेम नेम डॉट ड्रॉप ओके थर्ड एंड फिफ्थ रो तो यहाँ पे हमने क्या दिए इंडेक्स वैल्यूज दिए इंडेक्स वैल्यू थर्ड एंड फिफ्थ रो की क्या होगी थर्ड रो की होगी इंडेक्स वैल्यू टू क्योंकि जीरो देखो वन टू थ्री फोर राइट तो फर्स्ट रो आपकी जीरो इंडेक्स पे आएगी सेकंड रो आपकी वन इंडेक्स पे आएगी एंड थर्ड रो आपकी टू इंडेक्स पे आएगी तो so, हमने टू इंडेक्स वैल्यू दे दिया है यहाँ पे टू इंडेक्स वैल्यू दे दिया है टू ठीक है देन आपकी फिफ्थ रो डिलीट करनी ना तो फिफ्थ रो आपकी क्या आएगी फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू पे आएगी यहाँ पे फोर इंडेक्स वैल्यू सॉरी फोर इंडेक्स पे टू तो हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी एज अ लिस्ट टू कोमा फोर तो टू की आपकी रो क्या होगी डिलीट हो जाएगी दैट इज थर्ड रो आपकी डिलीट हो जाएगी और आपकी फिफ्थ रो डिलीट हो जाएगी फाइन ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर सोम अ डेटा एनालिस्ट हैज़ द डेटा फ्रेम डीएफ डेट कंटेज डेटा अबाउट कंप्यूटर ओलंपियाड विथ सी ओ वन सी ओ टू सी थ्री सी फोर सी फाइव एज इंडेक्सेस तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम में डी एफ जिसके रो इंडेक्सेस हैं सी ओ वन सी टू ओके एंड कॉलम्स लेबल्स हैं स्कूल टोटल स्टूडेंट टॉपर फर्स्ट रनर अप ओके नाउ प्रिडिक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न स्टेटमेंट आपको आउटपुट प्रिडिक्ट uh, करना है पैटर्न uh, स्टेटमेंट uh, का डी एफ डॉट शेप तो यहाँ पे जो शेप एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा इसकी शेप बताएगा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हमारे पास कितने फोर तो आपका आंसर क्या है फाइव कोमा फोर मतलब नंबर ऑफ रोज फाइव एंड नंबर ऑफ रोज कॉलम सॉरी नंबर ऑफ रोज फाइव एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फोर ओके तो शेप एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम का शेप एट्रीब्यूट क्या बताता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को बताता है कि कितने डेटा फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है फाइन अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है डी अब डी के अंदर आपने क्या दिया रेंज दी है टू ओके तो क्या करेगा ये यहाँ पे ये आपका जीरो इंडेक्स है ये वन इंडेक्स है तो टू इंडेक्स आपका हुआ ये ओके और रेंज में क्या है फोर तो जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो माइनस वन होता है तो ये क्या हो जाएगा थ्री टू एंड थ्री तो ये किसको डिस्प्ले करेगा रो टू एंड रो थ्री के डेटा को डिस्प्ले कराएगा तो आप यहाँ पे देखो सी थ्री एंड सी फोर का डेटा आपका डिस्प्ले हो गया है फाइन समझ आ गया टू इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है तो जीरो वन टू टू पे क्या है सीओ थ्री ओके okay, और जो आपका एंडिंग इंडेक्स है वो फोर है तो फोर एंड उसको हमेशा माइनस वन किया जाता है तो ये थ्री हो गया तो थ्री इंडेक्स पे आपका क्या है सीओ फोर फाइन तो कौ, कौन सी दो रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले होंगे सीओ थ्री का एंड सीओ फोर का रिकॉर्ड्स आपके पास डिस्प्ले होगा ओके नेक्स्ट राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ टॉपर कॉलम टॉपर कॉलम का डेटा आपको डिस्प्ले करना है और इंडेक्सेस कौन सा कौन सा सी ओ टू टू सी ओ फोर सी ओ टू से लेकर सी ओ फोर तक आपको क्या करना है डेटा डिस्प्ले कराना है टॉपर कॉलम का फाइन तो यहाँ पे देखो हम अगेन क्या करें डीएफ डॉट लॉक लॉक फंक्शन से आप इसको एक्सेस कराओगे सी ओ टू से कहाँ तक कराना है आपको सी ओ फोर तक तो आपने सी ओ टू रो लेवल दिया और सी ओ फोर ओके कॉलन co2:co4 फाइन और कॉलम सॉरी जो ये रो लेबल से हमने दे दिया कॉलन co2:co4 ओके एंड कॉलम नेम आपका क्या है टॉपर फाइन तो इससे क्या होगा आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा टॉपर कॉलम का और का, कौन से रिकॉर्ड्स इसमें एक्सेस होंगे co2 co3 एंड co4 के ओके नाउ नेक्स्ट राइट पाइथन स्टेटमेंट टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ डेटा ऑफ टोटल स्टूडेंट कॉलम्स एंड फर्स्ट रनर कॉलम आपको क्या करना है डिफरेंस मतलब डिफरेंस दिखाना है किसका टोटल स्टूडेंट कॉलम का और फर्स्ट अप कॉलम का फाइन तो सिंपल आप क्या करोगे प्रिंट डीएफ डॉट टोटल स्टूडेंट माइनस डीएफ डॉट फर्स्ट रनरअप ओके तो इनकी जो वैल्यूज है वो उसका क्या आ जाएगा आपके पास डिफरेंस आ जाएगा राइट right? डेटा सेट ऑफ दर टू थाउजेंड टेन टू 2012 थाउजेंड जनवरी मार्च एंड डिसंबर तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है ओके इ टू थाउजेंड टेन से लेकर 2012 तक ओके okay, और जो मंथ नेम है वो जनवरी मार्च एंड है डिसंबर मैनेजर वॉन्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम बट ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम हेल्प हिम बाई आंसरिंग फ्यू क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको कोड दिया गया है और उसमें फिलर्स दिए गए हैं जो आपको फिल करने हैं फाइन सबसे पहले इम्पोर्ट पांडा जैस आप आ, आ, कोई भी एलियास नेम दे सकते हो लेकिन हम यहाँ पे देख लेंगे इन्होंने

ओके okay, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया था इसमें क्वेश्चन दिए चूज द राइट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट वन के लिए आप क्या चूज करोगे आप पी डी चूज करोगे फाइन देन स्टेटमेंट टू के लिए आपके पास क्या आएगा डेटा फ्रेम फाइन पी डी डॉट डेटा फ्रेम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मैथड फॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट आपको ये आउटपुट शो करना है फाइव रोज एंड थ्री कॉलम्स तो इसके लिए आप क्या करोगे कौ, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे तो, तो यहाँ पे कौन सा डेटा फ्रेम का शो करता है नंबर ऑफ एंड कॉलम शेप एटीब्यूट तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थ्री क्या है करेक्ट है ऑप्शन डी एफ डॉट शेप ओके ओके नेक्स्ट पार्ट ही वांट्स टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ जनवरी मंथ अलोंग विदर ऑफ पैसेंजर्स अब जनवरी मंथ की वो डिटेल प्रिंट कराना चाहता है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स आइडेंटिफाई द करेट स्टेटमेंट तो आपको स्टेटमेंट दी गई है इनमें से आपको करेस्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है फाइन तो आपको क्या करना है जनवरी मंथ के को प्रिंट कराना है अलोंग विध जो इस टाइप का रिजल्ट आपका आना चाहिए अलॉन्ग विद्बर ऑफ पैसेंजर्स फाइन तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है डी एफ डेटा फ्रेम का नेम ओके okay. उसके अंदर आपने मंथ आपको क्या क्या प्रिंट कराना मंथ एंड पैसेंजर्स राइट मंथ एंड पैसेंजर्स लेकिन कंडीशन क्या है जो मंथ है वो क्या होना चाहिए जनवरी होना चाहिए ओके okay. तो आपने क्या किया डीएफ डीएफ के अंदर आपने एज अ लिस्ट पास किया है जो मंथ आपको डिस्प्ले कराने हैं एक्सेस करने हैं मंथ एंड पैसेंजर ओके और फिर आपने दिया है डीएफ मंथ इक्वल इक्वल जेन विद इन द सेम स्टेटमेंट तो इससे क्या होगा आपका ये वाला रिजल्ट आएगा जनवरी मंथ ओनली जनवरी आपका क्या होगा मंथ आपका क्या है जनवरी और आपने टू कॉलम्स को प्रिंट कराया मंथ एंड पैसेंजर्स को ओके तो आपका ऑप्शन सेकेंड क्या है करेक्ट है डेटा फ्रेम का नेम ओके इन द इस, इसके अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पास कराया कॉलम्स uh, को जो आपको डिस्प्ले कराने हैं फिर आपने क्या किया डेटा uh, फ्रेम का नेम एंड मंथ इक्वल टू इक्वल यहाँ पे क्या है डबल इक्वल टू है तो डबल इक्वल्स टू क्या होता है कंपेरिजन ऑपरेटर ये कंपेयर रहा है कि मंथ क्या होना चाहिए जैन होना चाहिए फाइन तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन फाइन ओके नाउ ना सपोज अ डेटा फ्रेम डी एफ वन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स हैविंग कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम डी डी एफ वन है ओके okay. जिसके अंदर क्या है इंफॉर्मेशन है ओके इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स कॉलम्स क्या है रोल नंबर नेम क्लास एंड सेक्शन ओके राइट द कोड फॉर द फॉलोइंग अब आपको जो स्टेट्स में दी गई है इनसे रिलेटेड कोड लिखने एड वन मोर कॉलम एस फी आपको एक और कॉलम एड करना है सिंपल आप डेटा फ्रेम का नेम दोगे स्क्वायर ब्रैकेट में आप कॉलम नेम दोगे ओके okay. एंड आप वैल्यूज डिफाइन कर दोगे तो यहाँ पे हमने वैल्यूज दे दिए फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिंटेक्स टू ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करने के लिए आपको क्या देना है आपको स्टेटमेंट देना है फाइन ट्रांसपोस क्या होता है ट्रांसपोज uh, कर देता है डेटा फ्रेम रोज को कन्वर्ट कर देता है कॉलम में और कॉलम्स को कन्वर्ट कर देता है रोज में डेटा फ्रेम के रोज बन जाती है कॉलम्स और डेटा फ्रेम के कॉलम्स बन जाती है रोज फाइन तो इसका सिंपल जो स्टेटमेंट वो क्या है डी एफ वन इक्वल्स टू डी एफ वन डॉट टी ओके okay. आप डीएफ डॉट टी प्रोपर्टी से क्या करते हो डेटा uh, फ्रेम को ट्रांसपोज कर देते हो अब डीएफ वन डॉट टी क्या करेगा डेटा फ्रेम की डीएफ वन डेटा फ्रेम की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देगा और फिर अगेन वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा डीएफ वन में फाइन नाउ राइट पाइथन कोड टू डिलीट कॉलम फी ऑफ डेटा फ्रेम अब आपको क्या करना है कॉलम फी को डिलीट करना है तो यहाँ पे आप डेल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो डेल डीएफ वन डीएफ वन डेटा फ्रेम का नेम है उसको ब्रैकेट में आपने दे दिया फी तो ये क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा सिंपल नाउ द कोड टू अपेंड तो यहां पे हम ड्रॉ फंक्शन का भी यूज कर कर सकते हैं डेल कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं फाइन पॉप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं ओके राइट द कोड टू अपेंड डीएफ टू विद डी एफ वन यहाँ पे आपको डेटा फ्रेम डीएफ टू क्या करना है डीएफ वन से अपेंड करना है उसको डीएफ वन से ज्वाइन करना है ठीक है तो आपका स्टेटमेंट दोगे डीएफ टू डी एफ टू डॉट अपेंड डी एफ वन राइट डीएफ टू तो यहाँ पे डीएफ टू के अंदर डीएफ वन अपेंड हो जाएगा क्योंकि हमने स्टेटमेंट ऐसा दिया है डीएफ टू के अंदर क्या हो जाएगा डीएफ वन अपेंड हो जाएगा जुड़ जाएगा फाइन तो डीएफ टू पहले आएगा फिर डीएफ वन आएगा राइट नाउ डिस्प्ले डेटा ऑफ़ फर्स्ट टू थर्ड रोज अब आपको डेटा फ्रेम की फर्स्ट टू थर्ड रोज का क्या करना है डेटा डिस्प्ले कराना है तो आपने क्या किया डी एफ वन जीरो आपकी फर्स्ट रो जो जीरो इंडेक्स पे होगी ओके okay? और जीरो वन एंड टू वन टू एंड थ्री फाइन आपको तीन रोज फर्स्ट थ्री रोज डिस्प्ले करानी है तो आपने क्या किया है डेटा फ्रेम का नेम डीएफ वन जीरो थ्री माइनस वन हो जाएगा टू ठीक है तो जीरो इंडेक्स से लेकर टू इंडेक्स तक की वैल्यूज क्या हो जाएंगी डिस्प्ले हो जाएंगी तो जीरो इंडेक्स से लेकर देखो टू इंडेक्स तक की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी मीन्स थ्री रोज आपकी क्या हो जाएंगी डिस्प्ले हो जाएंगी फाइन ओके नाउ कंसीडर फॉलोइंग डेटा फ्रेम सेल्स 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 कंटेनिंग ईयर वाइज फिगर फॉर फाइव पर्सन इन राइट तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है ओके okay. ये नेम्स दिए गए, है यहां पे गए है so, हमारे पास फ्रेम दिया हुआ है फाइन अब आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने डिलीट कुसुम एंड मधुस डेटा परमानेंटली आपको मधु और कुसुम का डेटा परमानेंटली डिलीट करना है मीन ये दोनों रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करना है ये दोनों रोज आपको डिलीट करनी है फाइन तो यहां पे डेटा फ्रेम का नेम सेल्स ठीक है डॉट ड्रॉप ड्रॉप के अंदर आपने क्या दिया एज अ लिस्ट पास किया है मधु एंड कुसुम को और इन प्लेस आपने दे दिया टू तो इन प्लेस प्रॉपर्टी ट्रू किस लिए किया है कि परमानेंटली ये दोनों रिकॉर्ड्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे अगर आप इन प्लेस ट्रू नहीं देते हो तो क्या होता है ये आउटपुट uh, में तो आ जाएगा और लेकिन जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें क्या होगा वो डिलीट नहीं होगा तो इसको डेटा uh, को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू जो दोगे ओकेर टू थाउजेंड सेवेंटीन टेम्परेली तो आपको क्या करना है टू ईयर की डिटेल्स uh, है उनको टेम्परे डिलीट करना है ओके okay? परमानेंट नहीं करना तो सेल्स डॉट ड्रॉप और ड्रॉप में आपने कॉलम दे दिया 2017 राइट इन प्लेस आपने कर दिया फॉल्स तो फॉल्स क्या है तो ये, इस क्वेरी के लिए तो ये डिलीट हो जाएगा बट में डेटा uh, में डिलीट नहीं होगा राइट right? या फिर आप दे सकते हो सेल्स डॉट ड्रॉप फाइन फॉल्स राइट इनमें से कोई भी आप स्टेटमेंट दे सकते हो ओके okay? तो आपका ये जो 2017 थाउजेंड uh, कॉलम है वो क्या होगा टेम्परेरी बेसिस पे डिलीट हो जाएगा फाइन लेकिन ओरिजिनल में वो डिलीट नहीं होगा ओके डिस्प्ले द रोज इन द रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट वन लिविंग अ गैप ऑफ वन रो आपको डेटा फ्रेम की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में आपको डिस्प्ले कराना है ओके लास्ट टू वन ठीक है रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है लेकिन एक एक छोड़ के तो तो देखो अगर हम करते सिंपली सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन हमें एक एक छोड़ के करना है तो हमने माइनस टू किया है तो आप क्या करोगे सेल्स डॉट लॉक लॉक फंक्शन के अंदर आपने क्या दिया कॉलन कॉलन फाइन तो यहाँ पे कॉल फर्स्ट कॉलम है कंप्लीट रोज के लिए एंड सेकेंड कॉलम है ऑल द कॉलम्स के लिए ठीक है फर्स्ट कॉलम हमने दिया है सारी की सारी रोज डिस्प्ले कराने के लिए सेकेंड कॉलम हमने दिया है सारे कॉलम्स को डिस्प्ले कराने के लिए और हमने जो स्टेप वैल्यू दी है वो माइनस टू दी है माइनस टू इसलिए दी है क्योंकि डेटा फ्रेम की क्या है रिकॉर्ड्स रिवर्स uh, में मतलब लास्ट uh, रिकॉर्ड uh, से वो डिस्प्ले करेगा लेकिन एक एक छोड़ के करेगा तो ये माइनस टू है फाइन अगर माइनस वन होता तो क्या होता सारे के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करता एक एक छोड़ के नहीं करता फाइन

मेड इज मोर देन फिफ्टी थाउजेंड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन आपको स्टेटमेंट uh, देनी है क्या डेटा डिस्प्ले कराने के लिए ठीक है जहाँ पे सेल्स कितनी हुई है ज्यादा हुई है फिफ्टी थाउजेंड से और ईयर क्या है आपका टू थाउजेंड सेवेंटीन ओके सेल्स हमारा क्या डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉक लॉक क्या है हम डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर रहे हैं डॉट लॉक ठीक है अब अगेन सेल्स सेल्स uh, में कौन सा कॉलम है आपका 2017 ग्रेटर देन 50,000 क्योंकि हमें कौन सी वैल्यूज 2017 की डिस्प्ले uh, करानी है जो किससे जाता है 50,000 से जाता है ओके सो दिस इज योर स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 50,000 फाइन समझ आया सेल्स डॉट लॉक लॉक फंक्शन का यूज करें इसके अंदर हमने कॉलम लिया सेल्स 2017 और यहाँ पे आपने कंपेरिजन ऑपरेटर दिया है ग्रेटर देन फिफ्टी थाउजेंड ओके ओके एवरी वन इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू